यार पता नहीं क्या होता है, पर कुत्तों से ना लग ही जाता है डर, क्योंकि यार अब कल कोई काटेगा तो मुझे उस पे कर लूं। देखना एक बार मैं कैमरा एंगल से टिका रहा हूं। वो क्या शेर की मुंह से दैट्स व्हाई शी इज अ वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। नहीं, आप सारे ठीक हो अपने अपने घरों पे या अपने अपनी जगहों पे जहाँ भी आपका आना जाना रहता हो। सो द सनसेट जो कि सेट हो चुका है इस टाइम, और अब से मैं वो सोच रहा हूँ कि ना इंट्रोडक्शन कुछ अलग तरीके से दिया जाए। अलग तरीके से चीज़ें होती हैं तो अलग तरीके से, जैसे कि सस्त्री अकाल जी ऐसे करके कमेंट डाउन करना, मतलब इस बहाने मेरे कमेंट भी आ जाएंगे थोड़े। अच्छा वैसे अभी मैं कुछ काम कर रहा था तो अच्छा, हाँ वैसे वही मैं एक चीज़ बता दूँ कि यार चीज़ें अभी भी ना, मैंने पता नहीं कितनी बार ये बात मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बट ऐसा होता है कि नहीं हो पाती कभी कभी। जैसे मैं हर चीज़ को ना शूट नहीं कर पाता, वो आदत नहीं थी बचपन से कि हर चीज़ को दिखाने की, या मतलब बेसिकली कि जिस जो भी अपना कोई रिक्रिएशनल चीज़ एक्टिविटी हम कर रहे हैं उस चीज़ को शो करने की, बट धीरे धीरे करके। अरे किसका हो गया सिद्ध भाई चिंटू, इतनी रील भाई, मेरे अंगूठों का एक्सरा वो करवाना पड़ेगा मुझे तेरी रील। चिंटू मेरे बचपन का दी बेस्टेस्ट फ्रेंड, मतलब ऐसे बेस्ट कोई मैं मानता नहीं है कोई ऐसा बेस्ट वगैरह कुछ होता है। जितने भी मुझे लोग अच्छे मिले शुरू से, सारे जितने भी स्कूल से मिले, क्रिकेट से मिले, और भी चीज़ों से मिले, वो सब लोग मुझे अच्छे मिले, सारे बढ़िया मिले। बट जो आज नहीं है वो उन्हें मैं जानता नहीं, जो साथ नहीं है बाकी जो साथ है। पर हाँ मैं शाउट आउट टू चिंटू, चिंटू मेरा चिराग दिल्ली का दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त चिंटू। और चिंटू ऐसा था कि एक चिंटू शायद ऐसा दोस्त है मेरा जिससे मेरी आज तक कभी लड़ाई हुई नहीं, टच वुड कभी हो भी ना। मतलब एक बचपन से वो ही ऐसा कि उस वो और मैं इतने साथ खेले, और भी सारे थे, मेरा कज़न भी एक आयुष है वो भी देख रहा है, मैंने तेरा भी नाम ले ही लिया आज ब्लॉग में। तो ये सारे कुछ ऐसे थे कि मेरी इन लोगों से कभी लड़ाई हुई नहीं, बस एक यही लोग थे, बाकी क्या है यार। अनबन देखो मेरी सबसे है, अनबन बनते हैं क्यों ये खुदा मेरे, तो बस इस करके चीज़ें हो जाती है। बट चलो कोई नहीं, आज शाउट आउट दे दे, मैंने देख रहे हो तुम्हारे, अब शेयर कर देना चिराग दिल्ली गाँव में, शेयर हो जानी चाहिए आज मेरी, आज का ये वाला ब्लॉग। तुम लोग व्यू देखो इस टाइम, हाँ अब ठीक आ रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे कि जैसे कि वो अपना मेरा जो दोस्त है सूरज वो ढल चुका है। अच्छा वैसे ना भी मैं एक बात, मतलब मैं सोचता भी तो रहता हूँ यार, एक तो ये आर्टिस्ट और क्रिकेटर होने का, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन होने का एक ये बड़ा मेजर वो है, जिससे क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो होता है थोड़ा डिसिप्लिन वाइज, जिस की चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ठीक है, उसका पूरा टाइम स्कड्यूल उसका ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कि यूजुअली मेरा मूवमेंट तौर पे रहता था तो नहीं बोलूँगा, रहता है, बट अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अब ऋषभ उनमें भी तो है ना, हर जगह हर चीज़ को हड़पना चाहता है, अब ऋषभ पड़ोसियों के बच्चे भी खाना चाहता है। मजाक से हट के खैर, पर अब चीज़ें वो हो चुकी है कि अब पेंटिंग भी आ चुकी है, पेंटिंग भी पता नहीं कैसे आई, जैसे भी आ गई। मैं बताता हूँ यार, क्रिकेट और पेंटिंग का ना कुछ ऐसा है कि क्रिकेट रही है मेरी वो वाली क्रश, एक वो चीज़ नहीं होती कि सब अगर कोई मेरे साथ रिलेट कर पाए चीज़ों को लेके, तो एक वो चीज़ नहीं होती कि क्लास में जैसे होता है स्कूल रोमांस में कि एक लड़की होती है जिसके पीछे हम होते हैं, मतलब मैं नहीं था, मैं वैसे बता रहा हूँ इन जनरल, एक होती है जिसके पीछे हम होते हैं, ठीक है, उसके लिए उसको हम इम्प्रेस वगैरह करते हैं, चीज़ें उसके लिए करते हैं, एफर्ट डालते हैं, फलाना ढिमकाना करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमें ना थोड़े से, मतलब उससे हम फिर भी दूर रहते हैं ना चाहते हुए भी, हम तो चाहते हैं कि हम उसके पास हैं, लेकिन अब पता नहीं वो शायद भाव नहीं देती या क्या होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं नहीं कर रहे। और ऑन दी अदर एंड एक वो इंसान होता है कि जिसके लिए, जिसको शायद हम नहीं देखते लेकिन वो हमारे लिए वन साइडेड काफ़ी कुछ रखता है, हमारे मतलब हम उसको अगर ऐसे
बस हेलो भी बोल देना, वो उसमें भी बहुत चीज़ें मान लेता है कि और इसने तो हमें, मतलब उसकी साइड से बहुत कुछ होता है, लेकिन हम वो होते हैं अनअवेयर उस इंसान को, दूसरे इंसान को लेके, क्योंकि हम तो एक के पीछे होते हैं। तो ऐसा ही है कुछ मेरा क्रिकेट और पेंटिंग का रिलेशन। मैं हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्रिकेट जो क्रश थी उसने मुझे भाव नहीं दिया, ऐसे कुछ नहीं करा, या वो ऐसे कुछ नहीं करती, मुझे शुरू से अटेंशन और भाव मिल गया बरा। एनीवे ऐसा हुआ है कि जितना शायद अभी पेंटिंग तो एक ऐसी आई कि बस आ गई और मैं करता चला गया, और इस ना तो वो एक वो वाली चीज़ होती है ना कि कभी सीखा हो या मैंने कभी इस चीज़ की क्लास ली हो, पेंटिंग स्कूल में गया हूँ, कभी नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी था गॉड गिफ्टेड था, और फिर कुछ रहे से मेरे पुराने स्कूल के सारे मेरे सारे यार दोस्त, मतलब सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स, मेरी सारी टीचर्स जिन्होंने बड़ा, मतलब पुराने स्कूल से मुझे, मतलब एक मेरा स्कूल था SG पब्लिक स्कूल, वहाँ से बड़ा एंथुसियाज्म आया, वहाँ से उन्होंने मुझे पंप अप किया। और फिर जब मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट हुआ था जो कि था बाल भवन इंटरनेशनल, वहाँ से मुझे बेसिकली फ्रीडम मिली। तो स्कूल्स का बड़ा, बहुत बड़ा रोल था मुझे यहाँ तक, जितना भी मैं यूँ नहीं कहता, मैंने बहुत कुछ माइलस्टोन अचीव कर लिए, कुछ कर लिए, पर एटलीस्ट इतना भी कर लिया बिना सीखे, बिना किसी चीज़ की बैक सपोर्ट के, मतलब बैक सपोर्ट इन द सेंस फैमिली का तो है ही, बट वैसे ये कभी सीखा नहीं। इतना भी करना मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में बहुत चीज़ें थी, आई एम प्राउड ऑफ इट कि जितना भी किया अपना बेस्ट ही किया अब तक, तो तभी तो आपके आगे ये सब भी कर पा रहा हूँ। सोच के देखा अगर तुम मेरी बातों, मेरी बात का इतना डीप मीनिंग होता है ना, अभी तो मैं इंटेलेक्चुअलिटी पे, अभी तो मेरा वो अंदर का जो पॉलिटिकल स्टूडेंट है ना, क्योंकि मैं बेसिकली पॉलिटिकल स्टूडेंट भी हूँ, जिन्हें नहीं, दोज हु नोज दे नोज, और जिनको नहीं पता था उन्हें पता चल जाएगा कि मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट भी हूँ। तो जिन, तो अभी तो मेरे अंदर का वो पॉलिटिकल स्टूडेंट आया नहीं है बाहर, तो तुम मेरी बातों का ना वो वाली मतलब भी होते हैं काफ़ी डिप्लोमेटिक, मतलब तुम लोग समझ नहीं पाओगे, पर चलो सीधे सीधे मतलब बताता हूँ। हाँ, तो मैं अपनी उस वाली बात पे था कि अपनी कि यार एक तो हाथ थक जाता, रुको मैं अभी कुछ करता हूँ। अच्छा, मैं ना अभी मतलब एक चीज़ आप लोगों से ऐसे शेयर करने की सोच रहा था, वैसे मैं बताता नहीं मैंने तो क्या क्या वो किया क्या नहीं, क्योंकि एक तो मुझे भी याद नहीं रहता, और मैं ऐसे सोचता नहीं जब करते हुए कि आगे कभी बताऊँ या कुछ है। तो एक ना वीडियो थी, जब आप मेरी स्क्रॉल डाउन करोगे ना नीचे, माइकल जैक्सन ऑन द फ्लोर, तो उस पर ना एक एरियल शूट था। अब वो एरियल शूट का जैसे मैंने क्या किया था, मैंने ना माइकल जैक्सन फ्लोर पे क्रिएट किए थे ऐसे जो पुराने, वैसे मैं मेरी ना एक ये सोच रहे थे कि वेस्ट मटेरियल से अगर आप क्रिएटिविटी करते हो और आपके पास रिसोर्स और अपने आप को चैलेंजेस देकर कि आप ये चैलेंजेस और इसी चैलेंज में आपको करना, तो मुझे लगता है कि वो होती है आपकी असली क्रिएटिविटी। रिसोर्सेज आपके पास हैं, सब चीज़ें हैं, तो हर कोई कर ही लेगा, मेरा मानना ही है, मेरा मानना, ये मेरा वो है पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएटिविटी को लेकर। एक क्रिएटिविटी वो है कि आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है या जिस चीज़ में आप क्रिएट, मतलब यू कैन क्रिएट एनीथिंग, इफ़ यू कैन क्रिएट एनीथिंग ऑन एनीथिंग, दैट्स द देन यू आर द क्रेजीएस्ट आर्टिस्ट हो सब। तो जब भी आप एक क्रिएटर हो कि एक क्रिएटिविटी करने वाले, तब मैं मानूँ कि भाई हाँ ये होते हैं क्रिएटिविटी के, आपके पास रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, मैं फिर चाहे वो आपने वेस्ट रिसोर्सेज से चीज़ें उठाई हो या कहीं से उठाई हो। तो वो कुछ ऐसे थे कि ना बहुत सारे हमारे इधर पता नहीं क्या था, कुछ ऐसा था कि वो ना फ्लोर नहीं होते फ्लोर वाइज, कुछ फट्टे जिनको फट्टे बोलते हैं, मैंने उन फट्टों को ऐसे बिछा के ना उनके ऊपर बनाया था माइकल जैक्सन, अभी तुम जिसे देखोगे ना। और उसका जो एरियल शूट था ना, वो मैंने इस वाली छत से जो अभी जिस पर मैं हूँ और दूसरे वाली छत पर, पता कैसे किया था, मैंने ऐसे किया था जैसे मान लो ये दीवार है और उस साइड वो छत है, ठीक है, तो मैंने नीचे की तरफ तो वो बना लिया था माइकल जैक्सन। अब उसका था एरियल शूट, मैं कैसे करूं, तो यहाँ पे शायद वो PVC पाइप होता है ना जो ग्रीन वाला, ये वाला, तो उस PVC पाइप्स को यहाँ पे, देन आई प्लेस्ड हियर द क्रेजी PVC पाइप, मैंने उसको यहाँ लगाया और ऐसे करके यहाँ तक मैं ले आया, ठीक है, और उसके बीच में डाली मैंने रस्सी, और मैंने रस्सी के एकदम इस वाले एंड पे, जैसे यहाँ से शूट होएगा नीचे, तो मैंने उस वाले एंड पे
अपना एक डंडे के साथ अपना शायद फोन प्लेस कर दिया था, एक जो क्लैंप होता है ना उसके साथ, मतलब एक ऐसे डंडा है उसके, उस पर मैंने क्लैंप को क्लैंप प्लेस किया, पूरा क्लैंप को चिपकाया और फिर क्लैंप के अंदर मैंने फ़ोन फिट कर दिया और फ़ोन को भी दोबारा से फिर शायद मैंने किसी से, ताकि जब वो ऐसे ऊपर नीचे आए तो फ़ोन गिरे ना, जब मैं फ़ोन से भी शूट किया करता था उन दिनों, तो जब मेरे पास मैं बहुत वैसा था मैम, तो भाई मैं ऐसा था DSLR वगैरह का, चलो छोड़ो छोड़ो रिसोर्सेज की बात नहीं करेंगे, तो ऐसे था कि फिर तो जैसे मैंने सब चीज़ ऑल सेट हो गई ठीक है, अब मैं वो शूट करने वाला भी अकेला, क्योंकि शायद मैंने वो लॉकडाउन में बनाई थी, तो लॉकडाउन में तो कहाँ इतना कुछ हो रहा था, तो मैंने क्या किया था, जैसे अब ये है कि अब उसका एरियल शूट लेना है तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ ना तो मैं उसको ऐसे आगे पीछे करूँगा उस रस्सी को, और वो जो एरियल शूट जो हो रहा है वो कैमरा यहाँ से ऊपर नीचे आएगा, तुम देख रहे हो, तुम मेरा वो, आप लोग मेरा स्ट्रगल देखो यार, मतलब जैम मैं अभी मैं पूरा नहीं बता पा रहा, मैं कभी अभी कोई मेरे साथ जब आ जाएगा ना तो फिर मैं बताऊंगा कि मैंने वो कैसे कैसे किया था, मतलब पूरा डेमो दे के बताऊंगा कि मैंने वो वाला शूट, और आज से एक डेढ़ साल नहीं दो साल पहले की बात है ये, कोई अभी की भी बात नहीं है, तो वो एरियल शूट थे, और एक टाइम ऐसा आया था जब वो कैमरा ना ऐसे घूमने लग गया था, वो डंडा जो मैंने बांधा था वो घूमने लग गया था ऊपर नीचे होते हुए, तो वो शॉट भी बड़ा अच्छा आया था, और जो घूमा था वो वैसे वो मतलब प्लान में नहीं था, वो आउट ऑफ प्लान था, कि वो तो अपना जो भी उसने ग्रेविटी ने अपना कमाल दिखाना, तो उसके उससे हुआ पता नहीं कैसे, वो मुझे नहीं पता, पर वो शॉट्स बड़े अच्छे आए थे, और एडिटिंग उस टाइम तो चलो छोड़ो खैर एडिटिंग का तो क्या ही बात करनी, हाँ पर वो शॉर्ट्स बड़े अच्छे आए थे, और उसके उस वाली वीडियो की पीछे की स्टोरी ये थी, तो मैं ऐसे ऊपर नीचे पता नहीं कितना तो कितनी बार तो मैंने ऊपर नीचे इस छत से उस छत पर काफ़ी कुछ सेट किया, और नीचे मैंने, और एक ऐसे एंगल था, हाँ एक और चीज़ थी, फिर मैंने क्या किया था, मैंने इस वाली जो एक एंड वाली दीवार आ जाती है इसके साथ वाली दीवार पे मैंने क्या कर दिया था, मैंने ना बहुत सारे वो क्यूशन लगा दिए थे नीचे से, मैं लेकर आया घर से घर गई, वो कुशन होते हैं ना जो वो सारे लगा दिए, एक गद्दा पड़ा था तो मैंने वो भी लगा दिया, तो एक शॉट ना ऐसे आना था ऐसे करके ऐसे पेंडुलम वाइज, तो वो वाला शॉट के लिए ऐसा था जैसे उस साइड तो जाएगा तो चलो लगेगी नहीं, लेकिन इस साइड आएगा तो फ़ोन तो लगेगा, अब दीवार में लगेगा तो फ़ोन टूट जाएगा, तो मैंने वो क्वेश्चन लगाए थे ताकि इस साइड आए तो फ़ोन ऐसे आए, क्योंकि वो उसके शॉट्स कुछ ऐसे थे, ऐसे भी थे ऊपर नीचे भी थे, तो इसकी पूरी स्टोरी उस वाली वीडियो की ये वाली थी, ऐसे धीरे धीरे करके ना मैं सारी स्टोरीज बताऊंगा तुम्हें ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ तुम देखा करो, तुम मेरे पीछे का स्ट्रगल और वो नहीं देखे, क्योंकि मैं दिखाता नहीं और मैं ऐसे बखान नहीं करता चीज़ों का, पर अब मैं धीरे धीरे करके चीज़ें बताऊँगा, ताकि अगर कोई मुझे भाई मेरे से दो लोग भी अगर इंस्पायर हो सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नंबर प्लेट है 4, सबसे ज्यादा राउड स्टेट, एक रैपिड में बढ़ा दे क्रेजी बॉल बावड़ी गेंद, गेंद मींस बॉल, देख के यार ई रिक्शा वालों ने बड़ा वो कर रखा है आजकल आज के दिन में यार, एक तो मैं पता नहीं एक तो कितनी ये है, मैं एक वो लगा दूंगा एक वीडियो ऐसे शूट करके फिर उसको ना बीच बीच में ऐड ऑन कर दिया करूँगा, कि मैं फ़ोन मतलब ऐसे मैं कुछ ही शूट करना भूल जाता हूँ, आदत नहीं है ना, अभी हम नए नए वो बने हैं ना ब्लॉगर, तो इस करके ना अभी हमें थोड़ी सी आदत है नहीं, लाएंगे चीज़ों को भी, बहरहाल हमें क्या हमारी कोई HR नंबर की गाड़ी, अच्छा HR है क्या हमारी, चलो छोड़ो शरीफ लोग भाई गरीब माड़े लोग ठीक है। Oh, yeah, she, here it is. वो क्या शेर की मूसी, that's why she is a शेर की मूसी, और शेर को पता भी नहीं क्या उसकी मूसी, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे शेर की मूसी होती होगी तो जब शेर की मम्मी के पास इसका कॉल वॉल आता होगा बिल्ली बिल्ली का, तो शेर को तो फ़ोन ही नहीं मिलता होगा, जस्ट इमेजिन हमारी तरह जब हमारी मौसियों का फ़ोन आता है हमारे पास, या
अगर मम्मी का फ़ोन बिजी होता है तो, समझ रहे हो तुम तो?